तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो आप। अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे बेसिकली, तो इसमें क्या है कि एक करेक्ट लेंथ ग्राफ वर्सेस टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर कहते हैं लेंथ, आई होप कि आप सिंपल पेंडुलम पढ़े होंगे, तो ये होता है एक बॉब होता है, एक स्ट्रिंग से बंधा होता है, एक छोटा सा बॉल होता है जिसका मास एम है और लेंथ एल है। तो ये ऐसे ही यूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है ना। तो अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एग्जीक्यूट सिंपल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब थीटा होता है, तो उस वक्त इसका टाइम पीरियड होता है 2π L/g अंडर रूट, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि अगर मैं टी स्क्वायर, अगर यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ, तो टी स्क्वायर यू बी इक्वल टू 4π² L/g। तो ये कहते हैं कि अगर मैं एल और टी स्क्वायर में ग्राफ बनाऊं, तो यहाँ से एल वर्सेस टी स्क्वायर ऊपर रखूँगा, और ये जो कॉन्स ये जो 4π, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है। तो अगर ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है देखोगे, तो इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ से आप बात करोगे, तो टी स्क्वायर इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट KL। तो टी स्क्वायर सम कॉन्स्टेंट KL का मतलब होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर y इज इक्वल टू mx का एक लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्ट्रेट लाइन, वेयर वेरिएबल y जो वेरिएबल है वो टी स्क्वायर की इक्वल है, और स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 4π/g के इक्वल है, और दूसरा वेरिएबल x लेंथ l है। तो स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा, और ये वाली जो थर्ड ऑप्शन है ये सही, ये बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, और अगर तुम देखोगे तो ये भी गलत है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।